हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये तोरण पट्टी लाए हैं आप लोगों के लिए। दिल डिजाइन तोरण पट्टी हमने इसमें दिल बनाया हुआ है और ये तोरण पट्टी बनाए हैं। ये डिजाइन आप लोगों को कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिजाइन लेके आएँ तो आप लोग के पास मिले। इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है और 4 प्लाई का उलन है जिससे हमने ये बनाया हुआ है। इसे बनाने में हमारा 40 ग्राम उलन लगा है, यानी 40 ग्राम उलन लगा हुआ है। तो डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम गांठे लगाएंगे और उसके बाद हम चेन कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 चेन कर लेंगे हम इसमें। और उसके बाद पहले वाले में लेके हम जॉइंट करेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे और ये राउंड किए हैं इसमें हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद से हम यहाँ पर फिर 1 2 2 चेन करेंगे और उसके बाद फंदे लेके हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन और एक ये 2 हुआ 3 4 5 1 6 हम 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए 6 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हम फिर चेन करते हैं 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे और फंदे लेके फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ से यहाँ तक बना लिए। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन कर लेते हैं 1 2 2 चेन करके और नीचे जो ये चेन है इसमें हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे जिसमें हम ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी चेन में। फिर उसके बाद ये 5 चेन किए हैं इसमें अब हम ऐसे जॉइंट करेंगे और इसे हम बांधेंगे और कट करके ये निकाल लेंगे हम। देखिए अब इससे हम ऐसे खींच के फिर बैक साइड इसे हम अब लगाएंगे। तो ऐसे बैक साइड हम लगा ले रहे हैं ऐसे। देखिए ये दिल से बन गया ना। अब इसके बाद से फिर और बनाएंगे और इसमें जॉइंट करेंगे। तो पहले ऐसे नॉट लगाएंगे और उसके बाद से हम 6 चेन कर लेते हैं यहाँ पर। 6 चेन करके और उसके बाद फिर पहले वाले में हम जॉइंट करेंगे। फिर सेम चीज़ें बनाना है हमें। तो यहाँ पर 1 2 3 चेन करके और जो ये नीचे साइड 5 चेन का बनाए हैं इसमें हमें जॉइंट करना है। तो इसे हम ऐसे लेंगे, उल्टे साइड से पकड़ेंगे इसे और ऐसे ये इसमें बीच में जॉइंट कर लेंगे। फिर 3 चेन कर लेंगे हम और फिर ये राउंड किए हैं जो हम इसमें हम ऐसे ले चल के डायरेक्ट जॉइंट कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हम 1 2 2 चेन करेंगे और उसके बाद सेम ऐसे ही बनाना है हमें। तो 6 डबल क्रोशिया फिर लाइन से बना लेते हैं। तो 2 हुआ 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर 6 बना लिए हम और उसके बाद से फिर हम यहाँ पर फिर 5 चेन कर लेते हैं। फिर 5 चेन हम कर लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इधर भी। 6 डबल क्रोशिया बना के 5 चेन करना है, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाना है।
तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लिए, उसके बाद 2 चेन करके और फिर नीचे हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। और फिर ये दोनों ज्वाइंट किए हैं जो इसमें हम ये बीच वाले पे इस पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर इसे बांधेंगे और फिर कट करके हम निकाल लेंगे इसे। और फिर इसे भी बैक साइड हम ऐसे लगा लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद से हम एक बार और ऐसे बनाने को दिखा दे रहे हैं और जॉइंट करने को। तो पहले 6 चेन कर लेते हैं हम और उसके बाद से फिर हम पहले वाले में जॉइंट कर लेंगे, फिर 3 चेन करेंगे और इसमें हम ये जो 5 चेन का किए हैं इसमें हम उल्टे साइड से ऐसे पकड़ के जॉइंट करेंगे, फिर 3 चेन करेंगे और फिर नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे इसमें और फिर 2 चेन करके फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन करेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ऐसा बनाना है तो अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं आप लोग जितना बड़ा चाहें। तो हम और बना ले रहे हैं, देखिए हमने ये अपने साइज़ के हिसाब से बनाया है, आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से बना लीजिए। तो अब ये कंप्लीट होने के बाद से अब इस पर हम ये फिर से रेड कलर ही लेंगे और ऐसे नॉट लगा के, और ये 6 6 हम डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम 1 2 3 3 पर ऐसे जॉइंट करेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। और ये जो मिडिल में है, ये दोनों के जॉइंट के बीच में ये मिडिल वाला जगह है, यहाँ पर हम बीच में ऐसे जॉइंट करेंगे ऐसे, देखिए, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर इसमें 1 2 3 3 छोड़ के यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर इसमें ये मिडिल में यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 फिर 3 छोड़ के यहाँ पर। तो ऐसे पूरे में हम यहाँ से वहाँ तक जॉइंट कर ले रहे हैं। तो इधर से पूरा बनाते हुए हम इधर तक आ गए हैं और देखिए ये बीच में जो 5 चेन किए हैं इसमें भी ले जाके हम 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और इसमें भी ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और फिर ये हम यहीं पे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और फिर मिडिल में ऐसे, देखिए उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर सेम चीज़ें हमें बनाना है, इसमें ही हमें ऐसे जॉइंट करना है, देखिए फिर 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर यहाँ पर 3 3 छोड़ छोड़ के हमें जॉइंट करना है ऐसे, 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर इसमें। तो ऐसे ही पूरा बन जाएगा तो हम बना ले रहे हैं। तो चारों तरफ से ऐसे बना के आने के बाद से यहाँ पर देखिए फिर 5 चेन किए, फिर यहाँ मिडिल में यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करेंगे और फिर इस मिडिल में फिर से जॉइंट कर लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ ऐसे जॉइंट करके और इस चेन को लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे और कट करके निकाल लेंगे हम। इसे बैक साइड हम लगा लेते हैं, देखिए अब ऐसे ही पूरा बन गया है, इस साइड भी ऐसा। अब इसके बाद से तो अभी बनने के बाद से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, वाइट कलर से अब यहाँ पर बनाएंगे ऐसे लेके और जो ये 5 चेन किए हैं इसमें ऐसे जॉइंट करते हैं, फिर यहाँ पर 1 2
फिर डबल फंदे लेके ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे तो दो हुआ, तीन, चार, फोर डबल क्रोशे हम बना लिए। फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन फंदे लेंगे। फिर से हम यहाँ से एक दो तीन चार, फोर डबल क्रोशे फिर बना लिए, फंदे लेंगे हम। फिर इसमें हम ऐसे एक एक दो तीन चार, फोर डबल क्रोशे फिर बनाए, फंदे लेंगे। फिर इसमें भी एक दो तीन चार, फोर डबल क्रोशे यहाँ भी बनाएंगे, फंदे लेंगे। फिर दूसरे वाले में जितना चेन है सब में हम फोर फोर डबल क्रोशे ऐसे बनाएंगे, एक दो तीन चार, आप लोग को कम लगे तो आप फाइव कर सकते हैं, फंदे लेंगे। फिर इसमें बनाएंगे एक दो तीन चार, देखिए फंदे लेंगे। फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, देखिए अब ऐसे ही पूरे में हम चार चार पूरा बना लेंगे। और जैसे यहाँ पर बनाए हैं सेम ये चीज़ें यहाँ पर भी बनेगा, तो हम बना के इसमें जॉइंट करके कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरा ये बना के तैयार कर लिया, दोनों साइड एक ही जैसा ये इधर बनाए हैं पूरा, देखिए इधर जॉइंट करके कट कर लिए हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिज़ाइन लेके आएँ तो आप लोग के पास मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।